Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapelli. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जो नंबर्स 100 के नजदीक है। एक क्विक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये मेथड जो है बहुत लंबा सा है, क्योंकि इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक का आप मास्टरी करेंगे, तो आपको ये एकदम आसानी से आप मैथ ना कोई सॉल्व करके भी आप मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं। तो देखते हैं ये मेथड कैसा है। सपोज दो नंबर है 88 × 87, ये दोनों नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर 100 के नजदीक है लेकिन 100 से कम है, तो ये दोनों नंबर को आप फर्स्ट टर्म करेंगे 88 × 87। अब ये दोनों नंबर जो है वो 100 से कम है। जब कोई नंबर 100 से कम है तो 100 से जितना कम है वो हम माइनस में लिखेंगे। अब 88 जो है वो 100 से 12 कम है, इसलिए हम लिखेंगे 88 साइड में माइनस 12। 87 जो है वो 13 कम है, इसलिए लिखेंगे माइनस 13। अब दोनों को क्रॉसवाइज ऑपरेशन करेंगे, 88 माइनस 13 या 87 माइनस 12, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है 75। और बेस 100 है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो गया 7500। अब नेक्स्ट जो है माइनस 12 माइनस 13, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 12 × 13 156 होगा। अगर आपको टू डिजिट नंबर्स का शॉर्टकट जानना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो मेरा लिंक आ रहा है उसे क्लिक कीजिए। 12 × 13 156, माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 7656 इज द आंसर। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जहां पे एक नंबर जो है वो 100 से कम रहेगा और दूसरा नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा रहेगा। अब जो नंबर है 92 × 103, 92 जो है वो 100 से कम है, 103 जो है 100 से ज़्यादा है। 92 100 से 8 कम है तो हम लिखेंगे माइनस 8, 103 3 ज़्यादा है इसलिए हम लिखेंगे प्लस 3। अब वापस से क्रॉस वाइज ऑपरेशन, तो 92 प्लस 3 95, 103 माइनस 8 95, दोनों का आंसर सेम ही आने वाले हैं। 95 इंटू बेस 100, तो 95 इंटू 100 9500। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 = 24 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 24 इसमें से करेंगे तो आंसर है 9476। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम, दोनों नंबर जो 100 से बड़े हैं, 108 × 112, तो ये 100 से जितना ज़्यादा है उतना लिखेंगे, 100 + 8 = 112 + 12। अब वापस क्रॉसवाइज ऑपरेशन, 108 प्लस 12 करें या 112 प्लस 8 करें, आपका आंसर आएगा 120। 120 × 100 12000। अब ये दो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 8 = 96, दोनों प्लस है इसके लिए प्लस 96। अब ये दोनों एडिशन करो, 12096 इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।